हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है थर्ड पार्टी रीडिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच की सिचुएशन क्या है, वहाँ पे क्या चल रहा है, आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं, क्या स्थिति है व्यूवर्स, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट ना भी हो, तो इसे ओपन माइंड से देखिएगा। आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है, आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें, बताएँ कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, सो वी हैव फर्स्ट कार्ड जजमेंट। मून एनर्जी आई है यहाँ पर आपके लिए। Now we have star, okay, and we have eight of wands energy, okay. So we have viewers bottom से हमारे पास आता है और यहाँ से आता है devil, okay. तो viewers चलिए हम यहाँ पर ये जो cards हैं ये भी लगा लेते हैं, devil, nine of wands, wheel of fortune and the three of pentacle. Bottom से यहाँ पर रह गया हमारे पास justice की energy. So let's start your reading, okay. सो व्यूवर्स, आपके पार्टनर के साथ में ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनकी दुनिया एक पल में ही जैसे कि बदल सी गई है। इन्होंने जो सोचा भी नहीं था इनके साथ में वो होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका प्रिसेप्शन, इनका जो एक विश्वास था या जो इनकी उम्मीद थी, वो यहाँ पर टूट के चकनाचूर होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन ने जिसके लिए व्यूवर्स आपको छोड़ा था, जिसके लिए आपको दर्द दिया, दुख दिया, तकलीफ दी, रसवाई दी, आपको दर्द के साथ में जीने पर मजबूर किया, ऐसा इन्होंने सोचा भी ना था कि उनके भाग्य में भी ऐसा ही लिखा जाएगा या फिर उनको ऐसा ही रिटर्न में मिलेगा। तो व्यूवर्स, आपके पर्सन के साथ में कोई यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें इनके साथ में यहाँ पे घटती हुई नज़र आ रही हैं। आज आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे अपने फैसले पर, जो उन्होंने फैसला लिया था, उस पर पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। आज उन्हें पता चला है कि आप क्या थे और वो इंसान क्या है जिसके साथ में ये रह रहे हैं या जिसके साथ में इन्होंने अपना रिश्ता बनाया है आपको छोड़ के। आज इन्होंने दोनों पलड़ों में, जैसे कहते हैं तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों में इन्होंने रखा है, एक तरफ आपको एक तरफ उस पर्सन को। और व्यूअर्स, इन्होंने पाया कि आपकी वैल्यू क्या थी और उस पर्सन की वैल्यू क्या है, या फिर जब ये आपके साथ में रह रहे थे, आपके साथ में रिश्ता लेके चल रहे थे, तब ज़िंदगी कैसी थी, और आज जब इस पर्सन के साथ में रह रहे हैं या इस पर्सन के साथ में रिश्ता लेके चल रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी कैसी है। यहाँ पर व्यूअर्स काफ़ी सारे अप एंड डाउन इस पर्सन की लाइफ में मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनको ऐसा आभास हो रहा है या आपके पर्सन को बस ये चीज़ें फील होने लगी हैं कि ये किसी कार्मिक रिश्ते में जाके फंस गए हैं। कार्मिक रिश्ता आप जानते ही हो व्यूअर्स कैसा होता है। आपके पर्सन व्यूअर्स इससे निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते से ओवरकम करना चाह रहे हैं, पर झटपटा रहे हैं निकलने के लिए, निकल नहीं पा रहे हैं। इनकी ऐसी हालत हो गई व्यूअर्स कि ये अपने दुख को, अपनी तकलीफ़ों को भी किसी को बयां नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे, इवन दो पर्सन को भी ये व्यूअर्स कुछ नहीं कहते हैं। अब ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पर होगी जैसे ये कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, ठीक है। इनकी या तो कोई सुनने वाला ही नहीं है या फिर इनके दुख तकलीफ़ों की किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं है, ऐसी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। ये खुद को कैद महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, ये अंदर खोए रहते हैं, अपने विचारों में डूबे रहते हैं। एक तरह की नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यूअर्स, इस पर्सन की अगर हम हालत देखें यहाँ पर आपके पर्सन की, तो ऐसी एनर्जी गाइज कि इस पर्सन को व्यूअर्स बहुत सारे ख्वाब दिखाए गए थे या इस पर्सन ने बहुत सारे ख्वाब थर्ड पार्टी के साथ में संजोए थे कि मेरी लाइफ ऐसी होगी या फिर मैं तुम्हें ऐसी लाइफ दूंगी या ऐसी लाइफ दूंगा, हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी, हम एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, केयर करेंगे, यानी जो आप मतलब व्यूअर्स यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जैसी ज़िंदगी आपके साथ में थी उससे बेहतर ज़िंदगी इनको वहाँ पे मिलेगी, प्रोवाइड होगी। लेकिन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी जो सारी की सारी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो खुशियाँ थी, जो इनकी ख्वाहिशें थी, वो यहाँ पर चकनाचूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इनको व्यूअर्स ना तो कोई सपोर्ट मिल रही है उस पर्सन से, ना ही कोई खुशी मिल रही है, ना ही वो सब कुछ मिल रहा है व्यूअर्स जिसको लेके इन्होंने एक ज़िंदगी सोची थी, एक ज़िंदगी के लिए जो आशाएं, जो उम्मीदें थी व्यूअर्स वो जो लेके चल रहे थे आपके पर्सन, वो यहाँ पे उनको नहीं मिल रही है। आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये ऊब से गए हैं उस ज़िंदगी को जीते जीते। आपके साथ की ज़िंदगी व्यूअर्स इन्हें ज़्यादा बेहतर लग रही है, ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि जब आपके साथ में थे एक तरह का फ्रीडम था, एक तरह की खुशी थी, इनकी लाइफ में कोई बर्डन नहीं था। यहाँ पर इनकी लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे बर्डन ही बर्डन नज़र आ रहा है। ये अपनी बात तक नहीं कह पाते हैं और जब बात कहने की कोशिश करते हैं तो आई थिंक सो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो जाती है। कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी यही दिखाती है कि थर्ड पार्टी और आपके दोनों के बीच की जो एनर्जी है
उसमें इनको आप ही ज़्यादा सही नज़र आते हो, आपके साथ में बिताए हुए पल ज़्यादा नज़र आते हैं सही। अगर ऐसा नहीं होता तो ये इतना ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फील करते। अगर थर्ड पार्टी के साथ में ज़िंदगी पॉजिटिव होती, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होती, जैसा सोचा था वैसा सब कुछ चल रहा होता, तो आज अपनी ज़िंदगी में ये चेरिश वाली एनर्जी में होते, खुश वाली एनर्जी में होते आपके पर्सन, ठीक है। लेकिन वो ऐसा व्यूवर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। इनको आपके साथ की लिबर्टी यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है अच्छी। चाहे आपके साथ में ज़िंदगी व्यूवर्स हो सकता बहुत ही लो लेवल की हो या फिर बहुत ही एक कॉमन सी लाइफ हो, लेकिन उनको वो कॉमन लाइफ यहाँ पे ज़्यादा पसंद आ रही है। इनको आज समझ में आ चुका है कि इन्होंने आपको छोड़ गए, आपको धोखा दे के लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और इसी का कहीं ना कहीं खामियाजा ये पर्सन भुगत रहे हैं कि इनको किसी कार्मिक कनेक्शन में जाके पटक दिया गया है, या फिर वो कनेक्शन इनके लिए कार्मिक कनेक्शन बन गया है जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। इनको सर्वाइव करना पड़ रहा है, हर एक खुशी को अपने दिल घोटना पड़ रहा है, जी नहीं पा रहे हैं खुल के, बंधन सा महसूस कर रहे हैं, ट्रैप सा महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इनके ऊपर अग्रेसिव नेचर दिखाती है, इनके ऊपर कंट्रोलिंग नेचर दिखाती है, कंट्रोल करने की कोशिश करती है, अपनी अपनी मनमर्जी चलाती है, इनकी खुशियों कोई ध्यान नहीं रखती है, इनके ऊपर क्या बीती थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं है। तो थर्ड पार्टी व्यूअर्स यहाँ पर एक तरह से अगर देखा जाए डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करती है, अपनी चलाना, दूसरे की खुशियों का ध्यान नहीं रखना, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है उससे कोई मतलब नहीं, दूसरे के दुख सुख से, तकलीफ़ों से, आंसुओं से कोई मतलब नहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी को नज़र आता है। और इस पर्सन को व्यूअर्स आपकी वैल्यू ही तब समझ में आई है जब इसके साथ में ये सारी घटना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये व्यूअर्स इसीलिए यहाँ पे मुझे परेशान, रोते हुए, तड़पते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपका रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं, आपको अपनी लाइफ में बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, या फिर ऐसा नज़र आ रहा हो सकता है उन्होंने थर्ड पार्टी से शादी भी कर ली आपके पर्सन ने, या फिर थर्ड पार्टी की लाइफ में इतने ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गए कि वहाँ से निकल पाना, उस कनेक्शन से ओवरकम कर पाना इनके लिए नामुमकिन सा इनको फील होता है। ये ट्रैप, जैसे ट्रैप हो जाता है ना, वैसा महसूस करते हुए अपने आप को यहाँ पर नज़र आते हैं। अगर हम व्यूअर्स यहाँ पर ये कार्ड्स देखें तो व्यूअर्स आपको इन कार्ड देख के अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुन के अपनी सारी खुशियों को गला खुद घोट लिया है। ये एक तरह की ऐसी एनर्जी में व्यूअर्स यहाँ पर हैं कि यहाँ पर ये अपने लिए हुए डिसीजन पे यहाँ पे पछताते हुए नज़र आते हैं, घुट गए हैं व्यूअर्स, जैसे कहते हैं ना दम सा घुट रहा है इंसान का, ऐसी एनर्जी में गाइस यहाँ से ये मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि ऐसी स्थिति आ गई है जहाँ से ना तो ये कुछ कर सकते हैं ना ही कुछ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इनके एक्शन पे भी ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी का कंट्रोल हो, इनके सोच पे भी जैसे किसी का कंट्रोल हो। अब ये अपने आप को जैसे ऐसा फील करे जैसे कि मैं सरेंडर कर चुका हूँ या सरेंडर कर चुकी हूँ, हेल्पलेस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में आके ये पर्सन आपके यहाँ पर खड़े हो गए जहाँ पर आपको याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आपके व्यूवर्स ऐसा नहीं है कि आपको लेके ये इतने ज़्यादा डेस्परेट क्यों हैं, क्योंकि आपको लेके डेस्परेट इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपके साथ में बिताया हुआ वक्त इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, वो वक्त काफ़ी अच्छा रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ व्यूवर्स यहाँ पर अनबन काफ़ी हो रही है आपके पर्सन की, अगर अनबन व्यूवर्स यहाँ पर ना होती तो आपके पर्सन की ये हालात नहीं होते, यानी कि ये इनको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इनको सिर्फ सरेंडर करना पड़ रहा है, हर बात माननी पड़ रही है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है, उनके अकॉर्डिंग रहना पड़ रहा है, अपने मनमर्जी का कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अगर ये कुछ कहते हैं तो उस पर लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें इनको व्यूवर्स यहाँ पर सेक्रीफाइस करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, सो व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन की ऐसी स्थिति बन गई है जहाँ पर इन्होंने अपना सम्मान भी दांव पे लगाया है, अपनी खुशियाँ भी दांव पे लगाई हैं, एक ऐसा जुआ खेला है जिसमें ये कम्प्लीटली लॉस ये महसूस कर रहे हैं। और व्यूवर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ में जो करंट सिचुएशन ये नज़र आ रही है कि इस रिश्ते में रहना नहीं चाहते पर इनको रहना जैसे इनकी मजबूरी से बन गई है। तो यह है रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। सो व्यूवर्स अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। मिलते व्यूवर्स एक और न्यू रीडिंग के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।